हाय, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ सम्रागी एंड आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि आप प्योर देसी घी की खुशबू वाली दिया बत्ती घर पे आराम से कैसे बना सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। रुई की बत्ती बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक पेस्ट प्रिपेयर किया है, जिसमें मैंने 2 बड़े चम्मच पानी और 1 बड़ा चम्मच कॉर्न स्टार्च या कॉर्न फ्लावर का यूज़ किया है। आप आरारोट भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद इसमें थोड़ा सा सिंदूर ऐड करके इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है, इसको एक पूजा वाला कलर देने के लिए। नेक्स्ट मैं बनाऊंगी रुई से लंबी वाली दिया बत्ती, जिसके लिए मैं सिलाई का यूज़ कर रही हूँ और मैंने साथ में कॉटन का पीस लिया है, जिसको मैंने बिल्कुल पतला करके फैला लिया है और उसकी चौड़ाई मैंने 1.5 इंच तक रखी है। सिलाई को जस्ट उसके साइड एक साइड पे रख के उसको आप धीरे धीरे जस्ट रोल करते रहो। अगर आपके पास सिलाई नहीं है, आप अगरबत्ती का यूज़ भी कर सकते हो। सिलाई से फ़ायदा ये होता है कि कॉटन बिल्कुल भी उससे चिपकती नहीं है। रोल करने के बाद आपने जिस डायरेक्शन पे उसको रोल किया है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन पे आप उसको दोनों हाथों के बीच में जस्ट रोल करो, सो दैट वो थोड़ा शेप लेने लग जाए एंड अपनी जगह पे सेट हो जाए। उसके बाद आप धीरे धीरे इसको एक एंड से पुल करके आप उसको सिलाई से बाहर निकाल लो। उसके बाद हम इसके सेक्शंस कट कर लेंगे, क्योंकि हमें लंबी दिया बत्ती चाहिए तो आप रफली इसके 4 सेक्शंस कट हो जाएंगे एक सिलाई से। सेक्शंस कट होने के बाद अब हम इसको एक प्रॉपर शेप देंगे। सबसे पहले हम दोनों एंड्स पे जो हमने मिक्सचर प्रिपेयर किया है कॉर्न स्टार्च पानी एंड सिंदूर का, वो दोनों एंड्स पे लगा के उसको एक दिया बत्ती का शेप देंगे। उससे क्या होगा कि ये इसके एंड्स जो है बिल्कुल टाइटली सेट हो जाएंगे एंड खुलेंगे नहीं। उसके बाद आप इसको अपने पाम के बीच में रख के टाइटली रोल कर दो दोनों पाम्स के बीच में, तो ये बिल्कुल पतली और लंबी हो जाएगी और इसकी ये शेप मेंटेन्ड रहेगी बिकॉज आपने एंड्स पे उसको सेट कर दिया है। सो इस तरह मैंने कुछ कलर्ड एंड कुछ प्लेन दिया बत्ती बनाई है लंबी वाली। सो अब हम नेक्स्ट गोल वाली दिया बत्ती प्रिपेयर करेंगे। नेक्स्ट हम छोटी वाली कॉटन की दिया बत्ती बनाएंगे गोल वाली। उसके लिए आपको एक कॉटन का पीस लेकर छोटा सेक्शन 1x1 इंच का आप उसको फ्लैट कर लो और उसके बीच में एक कॉटन की बॉल डालो एंड उससे उसको रैप कर लो ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ इसको रैप करके आप इसको गोल गोल घुमाओ सो दैट ये नीचे से एक बॉल की शेप ले ले एंड ऊपर से आप उसको एक विक का शेप दे दो। जो भी एक्स्ट्रा होगा वो आप रिमूव करके उसे गोल गोल घुमा के एक ऊपर विक बना लो एंड जो ऊपर हमने विक बनाई है उसके ऊपर हम वो सेम सॉल्यूशन लगा देंगे, जिससे कि वो एक जगह पे सेट हो जाए और टाइट हो जाए और अपनी शेप मेंटेन करे। इस तरह आप बहुत आसानी से बाकी की दिया बत्ती भी बना सकते हैं। नेक्स्ट हम प्रिपेयर करेंगे अपना घी का मिक्सचर। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है चंदन पाउडर। चंदन पाउडर को मैं प्योर घी के साथ मिक्स कर रही हूँ। चंदन पूजा की दृष्टि से बहुत महत्व रखता है। सो इनिशियली मैं सिर्फ 2 चम्मच घी के साथ अराउंड 1.5 चम्मच चंदन पाउडर को मिक्स कर रही हूँ। सो मैंने यहाँ पे रेशो मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1:3 का। सो इनिशियली मैंने थोड़े से घी में उसको मिक्स किया है एंड उसके बाद मैं घी की क्वांटिटी उसमें बढ़ा दूँगी सो दैट वो इवनली उसमें मिक्स हो जाए। सो अराउंड 2 चम्मच चंदन पाउडर एंड 6 चम्मच घी का ये मैंने मिक्सचर प्रिपेयर किया है। इससे अराउंड 15 देसी घी की दिया बत्ती बन जाएगी। इसको प्रिपेयर करने के बाद मैं अपना दूसरा मिक्सचर प्रिपेयर करूंगी, जिसमें मैं कपूर का यूज़ करूंगी, 1 बड़ा चम्मच कपूर। कपूर जो होता है वो घर में सारी नेगेटिविटी दूर करता है एंड बहुत पॉजिटिविटी लाता है। सो यहाँ पे इनिशियली मैंने 1 चम्मच घी में इसको मैं अच्छे से क्रश कर रही हूँ। आप कपूर का पाउडर भी यूज़ कर सकते हो। इसके लिए भी मैं 1:3 का रेशो ही यूज़ करूँगी। जब ये मिक्सचर प्रिपेयर हो जाएगा उसके बाद हम अपनी देसी घी की दिया बत्ती बनानी स्टार्ट कर देंगे।
सो मैं दो तरीके से कर रही हूँ। एक तो है कि मैं लंबी वाली दिया बत्ती लेकर कपूर और घी के मिक्सचर पे मैंने उसको अच्छे से सबमर्ज कर दिया है। ये आराम से 5 से 7 मिनट तक जलती है। इसको इसके अंदर सोक करके मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी उसे एंड उसको जो है अच्छे से स्प्रेड आउट कर दूँगी सो दैट ये आपस में चिपके नहीं। उसके बाद आप इसको फ्रीज़र में सेट होने के लिए रख दो। दूसरा तरीका ये है कि जो हमने गोल वाली छोटी वाली जो दिया बत्ती बनाई है उसको मैंने चंदन और घी के मिक्सचर में अच्छे से सोक कर दिया है। तो मैं इसको 2-3 मिनट के लिए सोक रखूँगी और उसके बाद इसको मैं आइस ट्रे में सेट कर लूँगी। सेट करने के बाद ऊपर से मैं चंदन और देसी घी का मिक्सचर इसमें डाल दूँगी। ये दिया बत्ती 10 से 12 मिनट तक आराम से लाइट होती है और सेम उसी तरह बाकी की दिया बत्ती मैंने कपूर एंड घी के मिक्सचर में डाल दी है और इसको भी मैं उसी तरह से आइस ट्रे में सेट कर लूँगी। अब आप इसे 1 घंटे तक फ्रीज़र में सेट कर सकते हो। 1 घंटे बाद ये अच्छे से सेट हो गई है तो अब मैं इसको निकाल लूँगी। बनने के बाद ये ऐसी दिखाई देंगी। आप इसको विंटर्स में बाहर आराम से स्टोर कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आप समर्स में बल्क में इसको बाहर स्टोर करना चाहते हो सो यू कैन चेक आउट द अदर वीडियो विच आई पोस्टेड जो कि बताएगा आपको कि आप समर में इसको कैसे स्टोर कर सकते हो। एंड अगर आप प्योर देसी घी की ही बनाना चाहते हो समर्स में भी तो आप इसको बना के फ्रिज में आराम से स्टोर कर सकते हो। यहाँ पे हमारा जो कपूर वाला जो दिया बत्ती था लॉन्ग वाला वो भी अच्छे से सेट हो गया है। आप इसको सेपरेट कर सकते हो आपस में एंड आप इसको इंस्टेंट यूज़ कर सकते हो या फिर आप इसको फ्रीज़र में ही स्टोर कर सकते हो। I really hope you all like this video and will give it a try. Don't forget to check out other videos on my channel which may interest you. I post weekly videos on crochet tutorials on DIY crafts and innovative recipes. Thank you so much for watching.